Here they go. सो हेलो जी, की हाल चाल सारे नु, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सो आज है भाई रक्षाबंधन, तो सभी भाई और बहनों के लिए मेरी तरफ से भाई हैप्पी रक्षाबंधन। सो भाई आज अपन चल रहे हैं हायाबुसा के रिएक्शन नोट करने के लिए। काफ़ी टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया प्लीज़ हायाबुसा के रिएक्शन। तो भाई आज वो दिन आ चुका है कि अपन चल रहे हैं भरतपुर के मार्केट में। वहाँ से निकलने के बाद मैं जाऊँगा सीधा यूपी की तरफ पेट्रोल डलवाने के लिए। तो आज जितना हो सकेगा मैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट करूँगा, ट्राई करूँगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करूँ। हेलमेट भी साफ़ करना है, अभी बहुत काम पड़े हैं। चैन स्प्रे करना है स्टैंड लगाने के बाद। भाई कोई बात नहीं, आपके लिए सब करना पड़ता है, करेंगे भी। चलो जी, अब हो चुका है निकलने का टाइम और जो दूसरा माउंट था वो मैंने यहाँ लगा दिया है। और आपको यार दो तीन कमियां बतानी है। भाई साहिबू शाम को चलेंगे, ठीक है, बाय। भाई बाइक निकलने से पहले ना इसको एक चक्कर चाहिए होता है मैडम को, तो अभी क्राउन मार के आइए मैडम, उसके बाद मुझे जाने देते कहीं। और भाई आज है ना राखी है, तो शायद से मार्केट में कुछ मिलना नहीं है, भीड़ वगैरह। बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट यार, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता। और आप अभी देख ही रहे होंगे बिल्कुल रोड खाली सूनने पड़े हुए हैं। ये वाला जो ट्यूसडे आने वाला है भाई, मुझे जाना है जयपुर, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो चलो मैं बता देता हूँ। ये मिरर देख रहे हो पूरा हिलने लग गया है। इसका पहले भाई एक लॉक टूटा था, देन उसके बाद एक और लॉक टूट गया, भगवान जाने किसने किसी से छेड़खानी करी है। और अब ये ऐसे डगमगा रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा तेज चलाया तो गिर ना जाए बस। तो मुझे जयपुर जाना है, इसे चेंज करवाना है। एंड अभी मुझे लग रहा है कि मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, बहुत आवाज़ कर रहा है, अगर आपको शायद से आवाज़ आ रही हो तो। और हिल ऐसे रहा है भाई, मुझे डर लग रहा है कि इसको कुछ हो ना जाए मतलब। तो चलो जी गाइस, आज का व्लॉग अच्छे से चालू करते हैं। होप सो कि शायद आपको पसंद आ जाए, क्या पता कब कुछ रिएक्शन नॉट हो जाए। नाउ मेक सम नॉइज देसी बॉयज। एंड मुझे पेट्रोल भी रिफिल करवाने जाना है, तो थ्रॉटल थोड़ा मैं उसी हिसाब से छोड़ना पड़ेगा। भाई भीड़ भाड़ तो है मार्केट में यार। लो भाई रिएक्शन मिलना से स्टार्ट हो गए हैं। बंदा देखो भाई पीछे पलट पलट के देख रहा है, और काफी पीछे भी रिएक्शन अच्छे मिल रहे थे। आज फिर भी भाई मार्केट खाली ही पड़ा है, जो रिएक्शंस नॉट हो रहे हैं बस यही है भाई। बच्चे के रिएक्शन देख रहे हो भाई, ये देखो भाई बीच में खड़ा हो गया बंदर, ये होते रिएक्शन। बीच में बंदा खड़ा हो गया बाइक रोक के, भाई देखनी है बाइक, देखनी है पहले, उसके बाद आगे चलूंगा मैं। यहाँ बस भाई अंकल और भैयाओं के ये रिएक्शंस मिल रहे हैं और किसी के रिएक्शन नहीं मिल रहे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टूवर्ड्स यूपी, बिकॉज मुझे पेट्रोल रिफ्यूल करवाना है, वो भी पावर वाला, जो शायद से हमारे भरतपुर में अवेलेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बताऊंगा आपको किसी व्लॉग में क्यों भाई क्यों अवेलेबल नहीं होता। आज आपको दिखाता हूँ भाई थ्रॉटल शॉट, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि फर्स्ट गियर में हायाबुसा जनरेशन 3 कितना मार रही है विद फुल सिस्टम एग्जॉस्ट के साथ, एंड सेकेंड गियर में कितना जा रही है। तो चलो जी ये चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखा देता हूँ आज, इतना तो कर ही सकता हूँ। जब रिएक्शन अच्छे नहीं मिले तो एटलीस्ट ये तो अच्छे से कर ही सकते हैं अपन। बस भगवान जी कृपा बनाए रखना, कोई सामने आना जाए, नहीं तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ है ना एक्चुअली एक पुलिस चौकी है, तो थोड़ा उससे आगे जाके बनाएंगे, क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है जब ओवर RPM जाती है फर्स्ट गियर सेकेंड गियर पर। सो ये ना हो कि आते वक्त वो मेरे लिए भी तैयार खड़े हों एक पूजा की थाली लेके कि आओ जी आपको राखी बांधनी आज, हमें 2-4-5 हज़ार रुपये के दे के जाऊँ यहाँ पे। तो वो काम नहीं करना है, थोड़ा आगे चल के मैं फर्स्ट गियर के आपको दिखाऊंगा फिर सेकंड गियर।
सो चलो जी अब फर्स्ट गियर का दिखाता हूँ मैं आपको। अभी अपन है भाई 30 एंड आप देख लो कि मैं फर्स्ट गियर पे हूँ। अब फुल थ्रॉटल दूंगा, कहाँ तक कितना जाती है वो आप देखना। भाई 110, सेकंड में 180, होय होय होय। पटाखे फूटते हैं ना, ओए होए होए, दीवाना कर देते हैं मेरे को। ओए होए होए होए। तो पहले एक बार चलो पटेल जी के पास चलते हैं, पटेल जी से हालचाल पूछते हैं कि हालचाल है उनके, देन उसके बाद आगे जाएंगे भाई यूपी पेट्रोल डलवाने के लिए। चलो जी चलते हैं अब। एक्चुअली मैं यहाँ रुका था पटेल जी के पास, टी लैंड भी बंद है आज और पटेल जी थे नहीं, तो पटेल जी का बच्चा बैठा है भाई। तो, और मुझे नहीं पता यार आज पेट्रोल पंप भी खुल रहे होंगे या नहीं खुल रहे होंगे, बट स्टिल ट्राई करते हैं भगवान खुल रहे हों, क्योंकि बाइक बिल्कुल रिजर्व में है यार। सो फाइनली भाई लोगों पेट्रोल पंप तो आ गया है अपना। सो चलो जी टैंक हो चुका है रिफ्यूल फुल और 1500 रुपए के आसपास ये पेट्रोल आया है मेरा। नाउ लुक्स गुड बेबी, ऐसे ही बढ़ती रहा करो, कम मत हुआ करो, जितना चलती हो ना उतना बढ़ जाएगा उल्टा। बेटा मूड ऑफ नहीं करते, घर जा अच्छे से रेडी होके आधे घंटे में जिम मिल। हैं जरूरी है क्या ये? बहुत जरूरी है, ठीक है, मूड ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके आ जाओ जिम में, आ जाओ अभी। कितनी देर में आ रहे हो? फोन कर उसको, ठीक है। देख जाओ,
अब मिल रहा है भाई रिएक्शन। पार्क करते हैं, रेडी होके जाना भी है जिम मुझे। तो फाइनली पेट्रोल भी रिफ्यूल हो गया, थोड़ा मोटा रिएक्शन भी मिल गया। आई होप शायद आपको ये रिएक्शंस पसंद आएंगे, मेरे को तो ज़्यादा खास नहीं लगा बट स्टिल ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आते तो मुझे भी पसंद है। एंड ये वाला व्लॉग मैं रात को एडिट करके कल तक पहुँचा दूंगा एंड आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन, गुड बाय, लव यू ऑल।